सेक्शन फटावट से रिकॉल करते हैं कॉनिक सेक्शंस क्या होते हैं एक डबल डबलोन को हम एक प्लेन से इंटरसेक्ट कराते हैं तो कॉनिक सेक्शंस बनते हैं हैं जो कि चार प्रकार के होते ठीक है कितने किसी भी एंगल पे हम उसको इंटरसेक्ट करवाएं चार प्रकार के कॉनिक सेक्शंस बनेंगे ठीक है ना एक प्लेन से एक डबल नेपेकॉन को हम किसी भी एंगल से इंटरसेक्ट कराए अलग अलग डिफरेंट जो एंगल से हमने इंटरसेक्शन करवाया था तो उससे चार प्रकार के जो कॉनिक सेक्शंस थे सर्किल देन एलिप्स लास्ट वन कम्स हाइपरबोला ओके जिसमें से सर्किल को तो हम घोल के पी चुके हैं एक्सरसाइज एंड इंट्रोडक्शन एवरी थिंग एलिप्स हमने स्किप किया है अभी हम पैराबोला पे तो पैराबोला का इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका है इंट्रोडक्टरी पार्ट हो चुका है कल ठीक है उसकी एक्सरसाइज आज करनी है मतलब आज पैराबोला भी हो जाएगा

देन कम्स डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होने में पैराबोला इसके अलावा भी बहुत टाइप के हो सकते हैं लाइक like, कोई जैसे भी चलो इनके इनके स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो राइट वर्ड फेसिंग करीब ऐसे होता है लेफ्ट वर्ड फेसिंग ऐसा होता है ना रफ स्केच तैयार कर रहे हैं अपवर्ड फेसिंग ऐसा होता है एंड डाउनवर्ड फेसिंग ऐसा होता है तो ये तो स्टैंडर्ड होगा जहाँ पे ये वर्ड टेक्स होगा ये एक्सेस हो जाएगी ये एक्सेस हो जाएगी ये एक्सेस हो जाएगी ये एक्सेस हो जाएगी ठीक है बट होने में तो एक्सेस भी बन सकता है पैराबोला ये लो ऐसे बना दिया हमने बन सकता है ना और कहीं से भी कुछ भी ये लो ऐसे बना दिया हमने बट ये सब हमारे कोर्स में नहीं हमारे कोर्स में ये चार स्टैंडर्ड है जो कि जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे ही लाया करेगा और जो ये राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, और डाउनवर्ड ही होंगे ओके शुरू करें स्टार्ट करें ओके इनके इक्वेश बता दो क्विकली तो राइट वर्ड फेसिंग की इक्वेशन क्या थी वाइस पैरिकल टू फोर एक्स लेफ्ट और फेसिंग जस्ट इसका एल एच एस नेगेटिव कर दो देन अपवर्ड डाउनवर्ड में एक्सेस क्वाइर आएगा अच्छा अभी इक्वेशन करवाऊंगा ना तो याद करने की टेक्निक भी बता देंगे डोंट वरी भाई जैसे भी आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो क्या ऑथेंटिक टेक्निक है कि जिससे एक बार में याद हो जाए ठीक है स्टार्ट करें और एक्सेस इन इक्वेशंस में से फिर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स निकलेंगे फोकल लेंथ फोकाय ठीक है ना

ये आपको आइडेंटिफिकेशन आपका बड़ा होना चाहिए दिखाई दे तो वो है स्ट्रेट लाइन ठीक है इससे पिछली एक्सरसाइज में क्या सीखा अपन ने सर्किल एक्स की क्वाड्रेटिक टर्म वाई की क्वाड्रेटिक टर्म एक्स की लीनियर टर्म वाई की लीनियर टर्म कॉन्स्टेंट ये सब क्या बनाता है सर्किल अभी इधर क्या सीखा

कव की इक्वेशन होती है अभी तो क्या है उस जोन में अपन 11.2 पैराबोलिक टू जोन में तो अभी तो अभी सब सबको पता है सर पता तो है ये पैराबोला क्योंकि उसी को पढ़ रहे हैं बट जब हम आगे निकल जाएंगे तो याद नहीं रहता है तो इन इनको चीजों को पकड़ के चलना है ओके क्लियर है सर्किल की इक्वेशन से सर्किल का आइडेंटिफिकेशन लीनियर इक्वेशन किया ही था पिछले चैप्टर में स्ट्रेट लाइन अभी पैराबोला आ गया ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट डिरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ दीजें निकालनी है और क्या बच गया क्या कुछ इसके अलावा और कुछ तो वैसे भी नहीं बचा सब तो पूछ लिया उसने बोलो वर्ड एक्स पूछ छोड़ दिया तो वर्ड एक्स पल से पता है उसको सबको आता है जीरो कोमा जीरो इसलिए छोड़ दिया ओके हेयर द कीवेशन ऑफ equation of of the the parabola is given as क्वेशन द तो दो टाइप के क्वेश्चन हैं अगेन बेटा एक तो इक्वेशन देखे उसके एट्रीब्यूट पूछना और एक एट्रीब्यूट दे के इक्वेशन पूछना अभी सेवन टू ट्वेल्व में फिर उल्टा है देखो फाइन द इक्वेशन ठीक है अभी तो इक्वेशन दे दी बाद में इक्वेशन पूछेगा सो दट्स द इक्वेशन गिवन दैट्स द इक्वेशन गिवन क्या करें सबसे पहला काम फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानना है कि चार स्टैंडर्ड में से ये कौन सा वाला पैराबोला है राइटवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड या लेफ्टवर्ड ये पहचानना अब वो तो ऐसे नहीं कि सर मुझे तो याद था है ना कुछ लिखना भी पड़ेगा ना भाई क्यों है ये क्यों है ये राइट वर्ड फेसिंग पैराबोला तो मैं क्या कहूंगा यहां पे नेक्स्ट चीज लिखूंगा हियर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द बोला इज ऑफ द टाइप इज ऑफ द टाइप वॉट टाइप कौन से टाइप की दिखाई दे रही है बोलो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स ये बोलो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स दिखाई दे रही है इज ऑफ द टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स सो वी कैन कंक्लूड सो वी कैन कंक्लूड दैट दो वी कैन से दैट

अब आपको उसकी इक्वेशन की शक्ल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी ये काम आप स्टार्टिंग में ही करना है ना और है तो हमको इसको फोर ए एक्स में स्प्लिट करना है फोर इंटू पे ए हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है बोलना मत क्योंकि ए क्या होती है फोकल लेंथ क्या बोलते हैं इसको क्या होती है ए बताओ एक पैराबोला में ए का मतलब क्या होता है फोकस से वर्टेक्स की दूरी फोकस से वर्टेक्स की दूरी इन शॉर्ट उसको फोकल लेंथ भी बोलते हैं तो वो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती इवन वो जीरो भी नहीं आ सकती नहीं आ सकती अगर वो जीरो हो गई तो फोकस और वर्टेक्स मर्ज हो जाएंगे और फोकस और वर्टेक्स, वर्टेक्स तो तो बनेगा क्योंकि जबकि हम कह सकते हैं कि सर आपने कहा था कि डिस्टेंस इक्वल हो तो डिस्टेंस जीरो भी तो हो सकती है लेकिन तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं बनेगा और स्टैंडर्ड तो बिल्कुल नहीं बनेगा ठीक है ना तो वो जीरो भी नहीं हो सकती वो बोले इतना सही गैप हो बोले में इसको ब्रेक कर रहा हूँ उस फॉर्मेट में तो इट वुड बी स्क्वायर को तो छेड़ना ही नहीं है फोर ए क्या लू ताकि बारह बन जाए बड़ा सरल काम है यारूंगा थ्री लूंगा बोलो इससे सरल काम होगा क्या कुछ ए को क्या लू कि वो मिलकर ठीक है ब्रेक कर लिया अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे नाउ कंपेयरिंग नाउ कंपेयरिंग इट्स इक्वेशन किसकी इक्वेशन ये पैराबोला जो फेसिंग पैराबोला इसकी इक्वेशन को कंपेयर कर रहा हूं इट्स गिवन इक्वेशन इट्स गिवन इक्वेशन जो हमको दी हुई है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म विद द स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने ये लिखी है ठीक है विद द स्टैंडर्ड जो हमने ये वाली लिखी है इसको इससे कंपेयर करके हमको ए निकालना है क्या निकालना है ए एक बार फोकल लेंथ ए निकल गई दैट्स इट उसके बाद जो चाहे वो पूछ ले ओके okay? तो दो बातें होती हैं एक तो उसका फेस पता करना कौन से फेसिंग पैराबोला है एक ए पता करना उसके बाद पैराबोला का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा आप सब निकाल लोगे ओके वी गेट ए इक्वल टू थ्री यहां तक क्लियर है क्लियर है यहां तक चलो तो अभी पहला इक्वेशन है तो थोड़ा सा इसका अपन हिंट भी ले लेते हैं राइटवर्ड फेसिंग पैरा बोला बेटा तो समथिंग लाइक दिस होगा ठीक है ए क्या आया थ्री सपोज करो फोकस यहां है तो क्या हो जाएगा थ्री कॉमा ठीक होगा नहीं होगा बताओ थ्री कॉमा अब ये वर्टेक्स है जीरो अब ये फोकस से वर्टेक्स की दूरी ए होती है तो उतना ही दूर फिर डायरेक्ट्रिक्स होता है तो डायरेक्ट्रिक्स यहां से पास थ्रू होगा बताओ वर्टेक्स से जितना दूर फोकस है उतनी दूर डायरेक्ट्रिक्स होगी ओके ना ये चीज फिक्स है तो so, ये लाइन हो गई मेरी डायरेक्ट्रिक्स ये पॉइंट हो गया वैसे इस पॉइंट का कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता बट फिर भी लिख लो क्या पॉइंट होगा ये माइनस थ्री कॉमा माइनस थ्री कॉमा अगर वो थ्री कॉमा जीरो है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा माइनस थ्री कॉमा जीरो डन ओके okay. ये सब कुछ पता चला इसकी इक्वेशन हमको क्या की मैंने वो लिख दो वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल एक्स तो अगर क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा अच्छा है तो ये ग्राफ भी बना देना इसमें एक तरीके से फिगर बनाने में सब कुछ पता चल जाता है ना लेटेस्ट रैक्टम क्या होगी ये होगी ठीक है टू ए ऊपर होती है टू ए नीचे होती है टू ए ऊपर होती है और टू ए नीचे होती है तो ए तो थ्री निकला ना टू एन सिक्स यूनिट्स ऊपर और सिक्स यूनिट्स नीचे ठीक है वो ले लो टू सिक्स यूनिट्स ऊपर सिक्स यूनिट नीचे ठीक है ना अब देखो करीब करीब अपन जब पैरा वोला बनाते ना तो हम क्या फ्री हैंड से बनाते हैं तो फ्री हैंड से बनाते हैं तो और कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी अवेलेबल नहीं है जैसे सर्कल बनाने के लिए कॉम्पस होता है ना और कोई जोमेटिक इंस्ट्रूमेंट तो हम फ्री हैंड से बनाते हैं तो हम तो करीब करीब हमेशा गलत बनाते हैं भी, ये भी गलत बना हुआ है क्यों देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो दूरी है इसकी डबल दूरी होगी क्योंकि ये ए है और ये टू एस वन ओ हमेशा होगा ना तो तो यानी कि पैरा बोला क्या है हम हमेशा इसको सी टाइप का बना देते हैं दैट्स अनदर थिंग पर इसकी करेक्ट अगर अपन देखें कि पॉइंट मेजर करके तो ये ऐसा बनेगा आपकी बुक में एनसीईआरटी में ढंग से दिया हुआ है थोड़ा उठा हुआ दियाटी की तरफ ऐसे टेंड करता हुआ ठीक है ना तो ठीक है अभी हमको वैसे भी फ्री हैंड से बनाना होता है तो चलेगा हमको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है ये लेट्स है हमारा ए बी मान लो इसको रेक्टम हो गया ऊपर भी छह नीचे भी छह टोटल बारह यूनिट तो फिगर बनाते हैं तो सारी चीज क्लियर हो ही जाती है बट फिर भी फॉर द फॉर्मेलिटी पार्ट अब क्या क्या पूछा था उसने सबसे पहला क्वेश्चन क्या था द पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें पढ़ो ये रहा फोकस के क्या कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ठीक है सो so, पहला क्वेश्चन नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस में एक होता है ना? है उसमें दो फोकस होंगे जो होते हैं वो एमा जीरो होंगे पैराबोला है तो एमा जीरो होंगे और हमारा ए क्या निकाला हमने थ्री सो so, पहला क्वेश्चन क्लियर मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर क्लियर सेकेंड क्या चीज पूछिए बताओ एक्सेस ऑफ द पैराबोला इज वेरी मच क्लियर एक्सेस ऑफ द पैराबोला तो आप जैसे यहाँ पे ये लिख दो ना राइट वर्ड फेसिंग पैराबोला तो यहीं पे मेंशन कर सकते हो क्योंकि राइट वर्ड फेसिंग पैराबोला की एक्स होती है अपवर्ड फेसिंग एंड डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला की एक्सेस वाई एक्सेस होती है तो आप वहां पर भी मैंशन कर सकते हो नहीं तो अगर आपने यहाँ पर भी मैंशन किया तो भी कोई गलती नहीं है एक्सेस ऑफ द पैराबोला इज वेरी मच क्लियर इट इज इट इज एक्स एक्सेस या होरिजोंटल एक्सेस भी कहते हैं जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन equation of directrix equation of directrix ab directrix ki equation y square equal to mx oh, sorry y square equal to 4 ax type ki jo parabola hoti hai usme kya hoti hai dekho kaise sikha tha apan ne ye x coordinate hai y kyun hoga x hoga na ye x coordinate hai na तो x equal to और इसका negative करो a का minus माइनस इस type की equation होती है बोलो बोलो सौम्या रिपीट करके आओ रिवाइज करके आओ कल का नो no? वाय टाइम ही नहीं मिला क्यों yeah. एग्जाम्स आ रहे हैं ना आए थोड़ी ना ये तो आ चुका है तो जो चीज आ चुकी है उस पर फोकस करो आता रहेगा जो भी आएगा एक्स इक्वल टू माइनस है एक्स इक्वल टू माइनस वॉट इज ए थ्री सो दिस इज द इक्वेशन कई बुक्स में इसको फिर ऐसे थोड़ा सा सॉल्व करके ऐसे भी बता देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो में तो भी कोई खास बात नहीं अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा ओके okay, फाइन और क्या क्वेश्चन है बताओ या हो गया सब लेंथ ऑफ लेटर्सम वो तो फिक्स है हमेशा ही फोर होती है वो तो एक उसका पैराबोला का भी फर्क नहीं पड़ेगा क्या है पैराबोला वो तो हमेशा क्या होती है क्या होती है हमेशा फोर टाइम्स ए जिसमें से टू टाइम्स ए ऊपर और टू टाइम्स ए नीचे और भी देखो अभी चार तो इसने पूछे मैं एक दो क्वेश्चन और पूछ सकता हूँ अभी क्वेश्चन में तो या एग्जाम में भी आ सकते हैं अगर मैं पूछ सकता हूँ तो एग्जाम में भी आ ही सकते हैं जैसे कि एक बार रुको इसको पहले खत्म करें तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट ये तो वैल्यू है इक्वल टू का साइन लगाओ हा फोर ए यूनिट्स फोर ए यूनिट्स होती है तो ए की वैल्यू क्या निकाली है? हमने थ्री एक बार ए निकला सब निकला ओके okay ना फोर इन टू थ्री बारह यूनिट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट वी आर डूइंग ऑफ योर एनसीईआरटी बुक दिस ईयर बस आपको चीजें पता होनी चाहिए यू मस्ट बी नॉलेजेबल इनफ वो नॉलेज है ना उसके बाद इससे सरल एक्सरसाइज या सरल टॉपिक नहीं है पूरा कॉनिक सेक्शन बड़ा सरल समझे ठीक है ना ओके चलो एक आध चीज में पूछ लेता हूँ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर्स रेक्टम बताओ एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर्स रेक्टम अब ऐसे मत कहते ना सर ए और बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट फॉर्म में बताने पड़ते हैं पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स बताओ ए और बी के स्टैंडर्ड फॉर्म वाला पैराबोला बनाया था तो उसमें लिखे भी थे हमने शायद नोट्स में कल इतना टाइम okay. ये तो एक नाइन्थ क्लास का बच्चा भी बता दे तीन यूनिट ऐसे चले हो तीन यूनिट ऐसे चले हो और बता तो रहा हूँ इसका डबल ऊपर होता है टोटल बारह है ना तो छह यूनिट ऊपर है छह यूनिट नीचे है तो तीन चल के छह चलना थ्री नहीं होगा क्या बोलो

टू पॉइंट फॉर्म से निकालने जाओगे वेरी गुड डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रही अच्छा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी एक्स इक्वल टू तो डायरेक्ट्रिक्स और लेटर पैरल नहीं है क्या एक्स इक्वल टू थ्री कोई भी लाइन जो वाई एक्स के पैरल है उसकी इक्वेशन एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइप की होती है डायरेक्ट्रिक्स भी वाई एक्सएस के पैरल है तो उसकी इक्वेशन भी इक्वल टू सम टाइप की है

आपको इकली बताओ सारे के सारे क्वेश्चन एक मैंने करवा दिया बताओ अगला क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू सिक्स वाई कहां गया कहाँ गया पांच गया? दोबारा लिखना पड़ेगा नहीं तो सारा चलो अब बाकी क्वेश्चन थोड़ा रफ तरीके से करेंगे अभी जो भी मैंने के, स्टेप्स लिखे वो सारे स्टेप्स आपको सारे क्वेश्चन में लिखने ओके फाइन भी नहीं आ रहा ठीक है तो वो तो डिलीट हो गया पहले मैंने सोचा था उसी में बदल करके कर देंगे बट अब सारे क्वेश्चन जो है एक फिगर में बना देता हूँ है ना उस फिगर का रेफरेंस लेके सारे क्वेश्चन के सारे आपको में लिखने। बट फोर आवर ऐसी हो इस में कि पैरा बोला नाम की चीज से हम इलेवंथ या ट्वेल्थ में भी नहीं घबरा जहां भी पैराबोला है अपने को लगे ये बहुत सरल सी चीज होती है ना तो आपको हर एक क्वेश्चन में फिगर भी बनाना है चलो जी एक्सक्वायर इक्वल टू सिक्स वाई आपकी बार एक्सक्वायर इक्वल टू सिक्स वाई सबसे पहले फेस पता करना होता है या टाइप पता करना होता है पैराबोला का सो विच टाइप ऑफ पैराबोला इज दिस टेल मी अपवर्ड फेसिंग ठीक है अच्छा मैं बताना भूल गया कैसे हम पता लगाते हैं ना देखो बेटा इस इक्वेशन में एक्स की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू लें तो वाई पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा जैसे एक्स की वैल्यू माइनस टू ली इक्वल टू सिक्स वाई यहाँ से वाई की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी अच्छा एक्स की वैल्यू अगर अपने पॉजिटिव ले ली थ्री का स्क्वायर तो भी वाई की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव आएगी नहीं आएगी तो आपको ऐसा कर बनाना है जिसमें X की पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए आए हमेशा आता है। आता है? देखो, देखो, तो का मैं से करूंगा तो। समझ गए ना तो इक्वेशन को देख के आप वैल्यूज को देखोगे जिसका स्क्वायर हो रहा है ना वो तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड रहेगा इसका स्क्वायर हो रहा है उसको पॉजिटिव नेगेटिव साइड रहेगा और बची हुई जो चीज है वो अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड अगर ये मान लो नेगेटिव होता अगर ये नेगेटिव होता तो अब एक्स की नेगेटिव वैल्यू ले लो या पॉजिटिव ले लो जैसे माइनस टू रहे थे आप माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टाइम वाई इसको सोल्व करोगे इक्वेशन को तो वाई नेगेटिव मिलेगा नहीं मिलेगा तो एस की पॉजिटिव वैल्यू लेते भी वाई नेगेटिव आ रहा है एक्स की नेगेटिव ले लेते तो फिर डाउनवर्ड फेसिंग होगा तो बड़ा ही सरल सा काम है बस थोड़ा सा कंसनट्रेट कर लो आज की क्लास में आ जाओ तो अपवर्ड फेसिंग पैरा बोला लाइक दिस ओके okay? चलो इक्वेशन गिवन है पहले तो फेस पता करना है, दूसरा फिर इसको तोड़ना तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर तो आएगा ही आएगा कुछ भी कर लो इन टू ए क्या लगाऊं ताकि बन जाए थ्री बाय टू अब ये काम इलेव क्लास के बच्चों को शायद डिटेल में सिखाने की तो जरूरत है नहीं बोलो ए क्या लू ताकि ये फोर तो अभी काटूंगा तो सिक्स बन जाएगा ना और फिर भी सीख अगर नहीं समझ आया तो कुछ मत करना बेटा फोर ए वाय है ना ये क्या है ये फोर ए वाय क्या है सिक्स कंपेयर कर लेना रफ में जाके वाई से वाई गया ए की वैल्यू क्या हो जाएगी सिक्स बाय फोर दैट मीन थ्री बाय टू ठीक है तो ये रफ में जाके चाहो तो कंपेयर कर लेना बाकी नहीं तो प्रैक्टिस ही इतनी इजी सी कैलकुलेशन होती है तो माइंड में ही हो जाती है कई बार तो ठीक है सो कंपेयरिंग दिस विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई सो नो उससे कंपेयर करेंगे सो वी विल गेट स्टेप्स वो पहले क्वेश्चन वाले लिखने हैं अपने को सारे गेट ए इक्वल टू इक्वल टू थ्री बाय टू जो कि हमेशा पॉजिटिव आता है और आ भी रहा है आना भी चाहिए नहीं तो हमने गलती करी ओके फाइन सो बेस्ड ऑन दिस सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो फोकस के ऑर्डिनेट्स अपवर्ड फेसिंग पैरावल में जीरो टाइप के होते हैं और ए हमने निकाल लिया है जीरो पहले क्वेश्चन का आंसर क्लियर है कोर्डिनेट्स ऑफ फोकस आप आंसर की खोल के रखो और कंपेयर करते जाओ ठीक है दिस इज माई लेटेस्ट रेक्टम दिस विल बी मैं लेटेस्ट रेक्टम और वो जितनी दूर है उतनी दूर मेरी डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पे होगी ठीक है ये जीरो कोमा थ्री बाय टू है तो ये क्या होगा जीरो कोमा माइनस थ्री बाय टू अच्छा पिछले क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन और बन सकता था जो हम मिस आउट कर गए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा जीरो कोमा माइनस थ्री बाय टू क्योंकि इसकी इक्वेशन ही है एक्स इक्वल टू थी अभी बाई इक्वल टू हो जाएगी ठीक है चलो ये जीरो कोमा जीरो हो ही जाएगा नो डाउट हाँ जी और क्या क्या पूछा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस तो आ चुका है भाई लिख देता हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इक्वल टू किस टाइप के होंगे इसके बोलो जीरो कॉमा ए टाइप के होंगे तो जीरो कॉमा थ्री बाय टू और दूसरा क्वेश्चन क्या था एक्सेस ऑफ पैराबोला वो तो आखिरी था बीच के क्वेश्चन को एक्सेस ऑफ पैराबोला तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड के लिए एक्सेस ऑफ पैरा इज लाइक वॉट एक्सेस ठीक है ना जहां पे फोकस लाया करता है वो उसकी एक्सेस है जहां पे फोकस लाया करता है वो उसकी एक्सेस है तो फोकस इज फॉलोइंग ऑन वॉट वाई एक्सेस सो उसकी एक्सेस ऑफ पैराबोला भी क्या हो जाएगी वाई एक्सेस हो जाएगी क्लियर वेरी क्लियर अनदर थिंग विच इज वर्टेक्स वैसे भी अंडर स्टूडी है और क्या पूछा था लेटेस एक्टिंग अला एक चीज और थी ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्सोर्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी हमारी ये होगी तो ये क्या है वाई इक्वल टू समाइप की इक्वेशन बनेगी इसमें तो वाई इक्वल टू माइनस ए टाइप की बनती है बोलो वाई इक्वल टू माइनस की ये इक्वेशन बनती है वेयर हमारी ए की वैल्यू हमने क्या निकाली थी थ्री बाई टू वाई टू माइनस अगर आप इसको 3 minus 3 by को तो ठीक है, लास्ट बट नॉट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फोर ए यूनिट्स होता है हमेशा फोर ए यूनिट्स होता है तो फोर इन ए फोर इन ए थ्री बाय टू टू से टू काट के आ जाएगा आंसर सिक्स ठीक है और क्या हो सकता है एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछ ले बताओ एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए और वी क्या बोलो लेंथ ऑफ रेक्टम के एंड पॉइंट्स के लेटेस्ट uh, रेक्टम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बोलो टेल एक्स एक्सिस बताओ दो यूनिट है इधर चार यूनिट टोटल है दो यूनिट इधर तो, तो थ्री कॉमा और ऊंचाई क्या है थ्री बाय टू थ्री कॉमा थ्री बाय टू और उधर क्या हो जाएगा अच्छा माइनस थ्री माइनस थ्री कॉमा थ्री बाय टू और इधर हो जाएगा थ्री कॉमा थ्री बाय टू ठीक है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो है ना हमने उसकी उल्टी होती है ना वाईक्वल टू माइनस तो बात है वो तो ऊपर है ना वैसे भी तो वाईक्वल टू प्लस इफ यू वॉन्ट यू कैन नॉट इट इन यूर फेयर वर्क और एज ऑल्सोर फेयर वर्क में घर जाके अच्छे से स्टेप बाई स्टेप लिखना क्विकली करते हैं ये देखो बेटा अगला वाला देखो एक बार ये फोर्थ वाला देखो एक बार आप फोर्थ वाला क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का फोर ए एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस का सिक्सटीन वाई ठीक है ये वाला देखो फोर्थ वन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का सिक्सटीन वाई करना इसकी इसका होलिया चेंज करना तो क्या लिखेंगे सरल है एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलो क्या लिखूंगा फोर ए वाई लिखते हैं नहीं माइनस फोर ए वाई माइनस तो माइनस लगाएगा ना माइनस फोर इंटू ए ए हमेशा पॉजिटिव होगा तो फोर इंटू वाई इक्वेशन कंपेयर करो इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लगा दो यहाँ पे माइनस लगाते ही ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर ए की वैल्यू तो प्लस फोर ही आएगी कुछ भी करो ठीक है तो जो पैरा बोला है वो उल्टा हो जाएगा

इसके एंड पॉइंट्स का कोई सीन नहीं रहता फिर एंड पॉइंट्स तो हमेशा लेटस रेक्टम के रहते हैं करेक्टर्स के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते अब इसके एंड पॉइंट्स हो जाएंगे ये है ना डन ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए ए बी ए बी वो हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स ओके चलिए आइए तो फोकस नहीं होगा अभी फोकस नीचे होगा दिस विल बी फोकस इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सेस एंड लेटस रेक्टम विल बी द फोकस हो जाएगा फोकस बताओ क्या होगा कोऑर्डिनेट्स इसके जीरो कॉमा कॉमा जीरो माइनस फोर जीरो कॉमा और फोर है ए तो जीरो कॉमा माइनस ए टाइप के होते हैं तो जीरो कॉमा माइनस फोर और वो हो जाएगा जीरो कॉमा फोर अब की बार जो कभी पूछता नहीं है बट फिर भी ठीक है और क्या क्या चलो इसको यहाँ पे भी लिखते जाओ कॉर्डिनेट्स ऑफ फोकस विल बी ऑफ द टाइप जीरो माइनस ए नॉट ए जीरो है या है, और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन अब ए टाइप की आ जाएगा ओके okay? सो so, ये हो जाएगा माइनस हटा दो वाई इक्वल टू फोर वाईक्वल टू फोर ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इक्वल टू फोर डन ओके करो फोर so, फोर जा सिक्स फोर फोर जा

चलो आओ तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करवा दिया मैंने कौन कौन सा किया आपने थर्ड फिफ्थ एंड सिक्स एक एक करके उठाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एट है सबसे पहले आपने फेस पहचाना होगा सो विच टाइप ऑफ फेस इज दिस कैसे पता लगाया वाई की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू ले लू y की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू x हमेशा नेगेटिव x हमेशा नेगेटिव हमेशा कब आता है लेफ्ट आउट फेसिंग तो कुछ इस टाइप का पैराबोला बना होगा आपका लेफ्ट आउट फेसिंग पैराबोला डन कुछ ऐसा बना होगा ठीक है तो इसको इसकी शक्ल चेंज करो मॉडिफाई करो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ माइनस फोर इन टू ए क्या लगाऊं टू ताकि वो एट बन जाए ठीक है चेक करते जाओ अपनी अपनी शीट्स में सही किया ना काम सही है ओके नेक्स्ट इतना हो गया है तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करूंगा मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक एक्स से तो कंपेयर करके एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फोकल लेंथ क्या आ जाएगी बोलो ए इक्वल टू टू ठीक है ए इक्वल टू टू आ गया तो बताते जाओ सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोका नहीं फोकस एक ही फोकस होता है इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस किस टाइप के होते हैं लेफ्ट फेसिंग पैराबोला के कोऑर्डिनेट्स क्या माइनस ए कॉमा जीरो टाइप के होते हैं और ए हमने निकाला है टू सो इट इज लाइक माइनस इट इज लाइक माइनस टू कॉमा जीरो फाइन और बताओ दूसरी चीज क्या एक्सेस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी इसका फोकस कहाँ लाया करेगा एक्स एक्सेस पे सो एक्सेस ऑफ पैराबोला हो जाएगा हमारा एक्स 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 एक्सेस ठीक है तीसरी चीज क्या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और चौथी चीज क्या थी लेंथ ऑफ लेटस रैक्टम ये चार चीजें थी ये फोर ए यूनिट्स हो जाती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है हमारी लेफ्ट और फेसिंग पैराबोला की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ से गुजरेगी यहाँ से गुजरेगी तो किस टाइप की होगी ये वाइक्स के पैरल है तो x इक्वल टू ए टाइप की होगी टेलमी एक्स इक्वल टू ए टाइप की होगी तो a क्या निकाला आपने टू तो x इक्वल टू टू आंसर ठीक है एंड लेंथ ऑफ लेटेस्टम फोर ए दैट मीन फोर इन टू टू यानी कि एट यूनिट्स आंसर डन मैच करो ये आंसर लिखे हैं सभी ने नहीं लिखे क्या गलती करिए कैसे गलत किसकी कॉपी आपसे कैसे गलत कर दिए इतनी इसी में इतनी इसी, इसी चीज में हाँ बाकियों के ठीक है दोनों के ठीक है ओके गलत हैं. किस है किसकी कॉपी है ये क्या लिखे जीरो को वहाँ माइनस टू बेटा एक्सेस जब पहचान लिया एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस पे तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा ना हाउ कैन द हाउ कैन बी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो चलो तो दे दो एक में से चार चार नंबर के मतलब चार चीज़ें हैं चार चीज़ों में से एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं तो कितने सही है उस हिसाब से, से मार्क्स दो नेक्स्ट देखो जितने सही है उतने मार्क्स दे दो हर एक चीज एक एक नंबर की ठीक है नेक्स्ट आओ फिफ्थ वन लेट्स कंपेयर द फिफ्थ वन क्वल टू फोर ए एक्स टाइप का होगा बोला right हो जाएगा और उसमें चेंजेस करो जरा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर तो रहेगा रह ही रहेगा ए क्या लगाऊ ताकि टेन बने फाइव बाई टू इन टू एक्स सो ये फाइव टू या टेन हो जाएगा ठीक है सो फ्रॉम कंपेरिंग दिस वी विल गेट ए इक्वल टू ए इक्वल टू फाइव बाय टू डन फेस हो जाएगा इसका राइट अब फिगर पर ध्यान नहीं दे रहे हम सीधे आ रहे हैं क्वेश्चन पे है ना क्योंकि बार बार फिगर भी नहीं बना सकते अपन है ना अपने को ए देखते ही सारी चीजें पता होनी चाहिए विदाउट लुकिंग एट द फिगर विद लुकिंग एट द फिगर भी आना चाहिए चीजें एंड विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी हमको चीजें आनी चाहिए सो so, बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होंगे कैसे पता लगाएंगे राइट वर्ड फेसिंग है तो राइट वर्ड फेसिंग में इधर जाकेगा इधर जाकेगा तो कोमा जीरो होगा ओके ए कॉमा जीरो होगा दैट मीन फाइव बाय टू कोमा जीरो होगा मैच करते जाओ आंसर फाइव बाय टू कॉमा जीरो एक्सिस ऑफ पैराबोला सेम है एक्स एक्सिस ठीक है उधर से भी चेक करते जाओ और नोटबुक में भी चेक करते जाओ दोनों से काम करो अच्छा आपकी बार डायरेक्टरी उल्टी हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए टाइप की हो जाएगी टेल मी बोलो x इक्वल टू माइनस ए टाइप की डायरेक्ट्रिक्स बनेगी दैट मीन्स x इक्वल टू ए क्या निकाला हमने माइनस फाइव बाय टू टाइप की डायरेक्ट्रिक्स बनेगी फोर ए यूनिट मेरा वोकल लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होगा सो वॉट इज ए हेयर ए इज फाइव बाय टू इज फाइव बाय गलत हैं। बाकी वो भी गलत है बाकी वो तो देखो फोकस के कॉर्डिनेट्स और इक्वेशन ऑफ डायरेक्टिव एक दूसरे के उल्टे हैं तो अगर वो गलत करोगे तो ऑब्वियसली गलत, तो गलत करोगे ही करोगे या तो दोनों सही करोगे आप या तो दोनों गलत करोगे क्योंकि है ही उस दोन दोनों दोनों अपोजिट एज कंपेर्ड टू देर साइंस ठीक है और बाकी दोनों ठीक है एक्सेस और वो सब सही है चलो तो आपने चेक कर लिया चारों सही है चलो लास्ट वाला देखते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन वाई तो फेस पहचानो एक्स की पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू आपकी बार निगेटिव मिलने वाली है तो वाई की वैल्यू नेगेटिव कब होती है जब फेस डाउन होता है Y की वैल्यू नेगेटिव कब होती है जब फेस डाउन होता है सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसको कंपेयर करेंगे बताओ से minus nine by. ठीक है एंड देन कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वल टू माइनस फोर ए वाई कंपेयर करते ही ए की वैल्यू आ जाती है यहाँ से नाइन बाय फोर ए नाइन बाय फोर होगा ओके okay, चलो बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस अब डाउनवर्ड फेसिंग है तो वाई एक्सिस होगी मेरी एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हो जाएगी वाई एक्सिस पहली चीज दूसरी चीज कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या हो जाएंगे जीरो कोमा माइनस ए जीरो कोमा माइनस है बोलो जीरो कोमा माइनस एन जीरो माइनस ए क्या था नाइन बाय फोर इसका जस्ट उल्टा हो ये होगा ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये नेगेटिव है तो वाई इक्वल टू माइनस है सिंपल सा लॉजिक है देखो इसको देख के तो 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 आएगा आएगा? ही ही नहीं। नहीं नहीं क्या देखो और उल्टा उल्टा कर दिया मैंने किया तो है, है ना मतलब साइन भी तो चेंज होगा sign भी तो change होगा। तो वाई कोऑर्डिनेट गिवन है तो वाई इक्वल टू ए टाइप की होगी दैट मीन वाई नाइन बाय फोर टाइप की इसकी इक्वेशन बनेगी Y 9 4. इसी फॉर्म में गिवन है पीछे इक्वेशन ऑफ वो चेक करो या फर्दर सॉल्व किया है फर्दर सॉल्व करें तो फोर वाई नहीं है फोर वाई अगर करें हम तो क्या बनेगा बताओ फोर वाई माइनस नाइन इक्वल टू वेरिएबल ऐसी बनती है ठीक है नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो ए क्या था ए नाइन बाय फोर तो फोर इंटू नाइन बाई फोर गिवस मी नाइन यूनिट्स आंसर ये चारों किसी के सही हैं नहीं है गलत है क्या गलती है ठीक है, है। किसकी सौम्या की, की? बताई नहीं क्यों नहीं बताई किसकी कॉपी है क्यों भाई अच्छा बाकी बाकी तीनों ठीक है <coughs> Equation तो और और में में क्यों क्यों हो 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 रहे रहे प्रियांशु आप हर तीनों इसने गलत हैं पढ़ी नहीं है हमने यहाँ पे वाई स्क्र इक्वल टू फोर ए एक्स है तो फोकस है ए इक्वल टू जीरो और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स टू माइनस है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स है तो जस्ट इसका उल्टा कर दो है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है तो बहुत तो सरल सी चीजें लेटेस्ट रेक्टमशा फोर ए होगा ही सही फोकस जहां भी लाया करे वो एक्स ओ पैराबोला बनी जाएगी ठीक है डन अब मुझे बताओ इन चारों में लेंथ ऑफ लेटस्ट रेक्टम निकालने का शॉर्टकट अगर आप में से किसी ने आइडेंटिफाई किया हो तो देखो द स्क्रीन पे लुक एट द स्क्रीन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताऊं पहले की बारह छ माइनस अटाके आठ सोलह दस नौ अरे ये फोर ए तो है हर केस में ये फोर ए नहीं है क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई तो फोर ए में ही तो कन्वर्ट करते हो आप इसको

एक्सरसाइज फाइंड द द द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट गिवन गिवन कंडीशंस तो कंडीशंस को गई करने वाला पैराबोला उसकी इक्वेशन आपको बतानी है अब देखो क्या क्या चीजें गिवन है हमको वर्टेक्स फोकस गिवन है डायरेक्ट्रिक्स गिवन है क्या क्या गिवन है चेक करो अच्छा मुझे एक चीज बताओ मिनिमम आपको क्या चाहिए मिनिमम क्या चीज चाहिए आपको इक्वेशन बनाने के लिए बता सकता है कोई मैंने कहा इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाओ तो आप मुझसे कम से कम क्या मांगोगे सर ये दे दो बस बना देंगे ए ए पता चलते ही फेस कैसे पता चलेगा फोकस के कोऑर्डिनेट्स यस फोकस के कोऑर्डिनेट्स पता चलते ही फेस भी पता चल जाएगा ए कोमा जीरो है तो राइट वर्ड फेसिंग माइनस ए कोमा जीरो है तो लेफ्ट वर्ड फेसिंग जीरो कोमा ए है तो अपवर्ड फेसिंग एंड जीरो कोमा है तो डाउनवर्ड फेसिंग एंड साथ में ए क्या होती है लेंथ होती है फोकल लेंथ उससे हमको लेंथ स्लेटम एंड एवरीथिंग सब पता चल जाएगी ठीक है क्लियर ओके okay. चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेवन फोकस गिवन है तो पहले क्वेश्चन में हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं हेयर फॉर अ पैराबोला फॉर अ पैराबोला द गिवन पॉइंट्स आर फॉर अ पैराबोला द गिवन पॉइंट्स आर फिर हम ये दोनों पॉइंट्स लिख देंगे क्या क्या, -क्या गिवन है अच्छा उसने तो फोकस ऐसा करके देखा हम अच्छे से लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देखो सीधे दे दी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स बट एक्चुअली डायरेक्ट्रिक्स मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फोकस फोकस मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस है ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस इक्वल टू एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ठीक है लेट्स इक्वेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस कितना क्या है कॉमा जीरो एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स ठीक है अब देखो कैसे हम इसका प्रेजेंटेशन करेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं हमको इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनानी है तो हमको फेस पता करना पड़ेगा फेस पता करते ही हमको टाइप पता चल जाएगा अब फेस कैसे पता करें फेस पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा सबसे पहले एक्सेस पता करना पड़ेगा एक्सेस पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा फोकस कौन सा एक्सेस पे ला कर रहा है वो पता करना पड़ेगा तो फोकस 6, कौन से एक्सेस एक्सेस तो मैं पहली इन्फॉर्मेशन ये लिखूंगा हेयर दफ दिक्स जीरो लाइज ऑन द लाइज ऑन द एक्स एक्स तो एक्चुअली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना ये तो वेस्ट है मेरे लिए ये ना भी देता तो भी काम हो जाता है, है या नहीं सोचो जरा है ना ये ना भी देता तो वैसे भी फोकस से हम निकाल ही लेते हैं ठीक है ना तो कई बार इंफॉर्मेशन अननेसेसरी भी मिलेगी आपको द फोकस एफ सिक्स लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस सो सो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस एक्सिस ऑफ पैराबोला तो राइटवर्ड फेसिंग फोकस नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्स लेफ्ट फेसिंग अपवर्ड साइड है तो मतलब पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सेस फेसिंग नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्स है तो डाउनवर्ड फेसिंग फेस चल गया Lying on the positive side. So, so its equation, its equation, yeah. So, the equation of the parabola is of the type. So, the equation of the parabola is of the type y square equal to. Y, y equal to ये टाइप पता चल गया अब ए पता करना है तो ए तो फोकस से क्लियर था ही सही कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस है ना द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ऑफ द टाइप आई इक्वल टू फोर एक्स इन विच इन विच इन विच फोकस इज ऑफ द टाइप इस ऐसी वाले पैराबोला में फोकस किस टाइप का होता है बताओ फोकस इज ऑफ द टाइप ए कॉमा जीरो यस ऑन नो

इक्वेशन ऑफ पैरा बोला इक्वल टू इक्वेशन ऑफा बोला एज इज वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर इंटू ए क्या है सिक्स इंटू एक्स सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर एक्स देखो मैच करो आंसर पीछे से फाइनल डन ओके बोलो और डायरेक्ट्रिक्स क्या ना कि उसने इन्फॉर्मेशन की बनती बट हमने कहीं भी यूज नहीं करी आपकी मर्जी है अच्छा फोकस को हटा दूं फोकस को हटा दूं तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से भी बन सकती है इक्वेशन तो मिनिमम क्वालिफिकेशन तो तो दू, तो चलेगा, चलेगा? एक दूसरे से ही तो पता चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे से ही तो, पता चलते हैं। तो ये दे दो तो ये पता चल सकता है ये दो तो ये पता है दोनों में से कोई भी चीज पता चली तो इक्वेशन बन सकती है ठीक है क्यों एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स जो होगा वो कहा लाया करेगा चलमी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स गीवन है तो एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स जो होगा वो इधर लाया करेगा एक्सिस के ऑन द नेगेटिव साइड एंड देन उसके बाद फिर अगर ये ये ऑन द नेगेटिव साइड है तो पैराबोला विल बी ऑन द पॉजिटिव साइड उल्टा होता है दोनों एक दूसरे के तो दोनों में से कोई भी एक चीज पता हो तो पता चल सकती है ओके okay, नेक्स्ट आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर एट्थ तो होमवर्क मार्क करो सेम है सेम कैटेगरी का है आ जाओ नाइन्थ वर्ट एक्स जीरो को जीरो बताना ही बेकार है मतलब एक तरीके से मजाक कर रहा है हमारे साथ नब्बे में दसवें में ग्यारहवें में और बारहवें में वर्टेक्स जीरो जीरो क्या उसको बताने की जरूरत है और वो एहसान कर रहा है बता के व्हेन वी आर डीलिंग विदैंडर्ड पैराबोलास वर्ड टेक्समाज ऑफ नो यूज तो फोकस दे दिया ना उसने तो फोकस दे दिया इसमें भी फोकस दे दिया तो बता दो फटाफट से फोकस थ्री है तो राइट uh, फेसिंग right फोकस थ्री यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ एक्सेस राइट वर्ड फेसिंग आ गया यहाँ पे स्टेप्स वही लिखने जो अभी अभी मैंने लिखवा राइटवर्ड फेसिंग और इसमें बताओ इसमें माइनस टू को मीरोन इज ऑफ दाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स और इसकी ऑफ द टाइप वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स ए की वैल्यू थ्री है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर इन टू थ्री इन टू एक्स वहां पर एक वैल्यू बोलो

ठीक है चारों क्वेश्चन कवर है यानी कि फोकस तो दे दो सर आप और फोकस देने के बाद तो आप बस फोड़ देंगे हम तो है ना चारों क्वेश्चन हो गए विद द प्रॉपर स्टेप्स आप कर ही लोगे आ जाइए नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर इलेवंथ एंड ट्वेल्थ अगेन इलेवंथ एंड ट्वेल्थ में वर्ड देना ना देना तो बेकार है दे या ना दे मतलब वो देकर ऐसे नहीं क्लेम कर सकता कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी है ठीक है तो इसको तो आप इग्नोर करो इधर आओ पासिंग थ्रू द पॉइंट टू कमा थ्री कौन पास करता है टू कॉमा थ्री से

या तो राइट right वर्ड या लेफ्ट वर्ड एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के तो दो टाइप के पैराबोला बनते हैं ना राइट वर्ड फेसिंग या लेफ्ट वर्ड अब उन दोनों में से कौन सा है वो पता करना है तो बताओ उन दोनों में से कौन सा देखो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है बट यही वाला ऐसा कैसे पता चला क्योंकि पैराबोला खुद साक्षात टू कॉमा थ्री से पास करता है टू कॉमा थ्री लाइज इन द फर्स्ट क्वार सो ये एक पॉइंट है ए टू कॉमा थ्री दैट लाइज इन तो इन दो बातों से पता चला हमको कि द दव... टाइप ऑफ पैराबोलाइट फेसिंग पैराबोला दीवन पॉइंट आर दीवन पॉइंट आरशु आपका सारा काम कंप्लीट है कल वाला क्यों नहीं किया हुँ? क्यों नहीं किया कल वाला अच्छा आलस में नहीं किया मतलब आज स्कूल की छुट्टी क्यों है वैसे आप लोगों की आपके क्यों है है आपने की, है? आप की? ट्यूशन के चक्कर में किए क्या ट्यूशन के चक्कर में स्कूल की छुट्टी मत करना कभी भी याद रखना अगर आप वैसे छुट्टी कर रहे हो तो बात अलग है पर ऐसा नहीं कि सर ने टाइम दे दिया आठ बजे तो चलो स्कूल की छुट्टी कर देते हैं ये कभी भी नहीं होना चाहिए ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स वी जीरो गिवन है हालांकि किसी काम का नहीं है बट जो गिवन है वो तो गिवन है और क्या गिवन है पासिंग थ्रू टू कोमा थ्री इसको हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे और उसके अलावा और क्या गिवन है एक्सेस इज अलोंग पैराबोला एक्स एक्सेस ये दो बातें हमको गीवन एक्सेस ऑफ पैराबोला ये गिवन है अलोंग एक्स एक्सेस ठीक है तो जैसे हमको एक्सेस पता चला तो हमको ये पता चला कि या तो राइटवर्ड फेसिंग है या फिर लेफ्टवर्ड फेसिंग है और 2,3 पता चला तो उससे क्या पता चला हम्म उससे क्या पता चला कि राइटवर्ड फेसिंग अच्छा केवल और केवल 2,3 से ही पता चल सकता है राइटवर्ड फेसिंग है और तो कोई तरीका नहीं है ना बोलो अच्छा अगर सपोज करो ये पॉइंट नहीं गिवन होता तो फिर हमारे माइंड में दो डाउट्स कौन से होते हैं इक्वेशन बनाने के या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स अच्छा एक और चीज ये तो हो गया ये आ, हाँ, अब इसमें से ए भी निकालना होगा अभी तो है ना चलो तो लिखते हैं फिर यानी कि ये बात अपने को लिखनी पड़ेगी है ना ऑल्सो ऑल्सो द पैराबोला पासिस ऑल्सो द पैराबोला पासिस थ्रू द पॉइंट ए

टाइप इज ऑफ द टाइप किस टाइप की होती है इसकी इक्वेशन टेलमी वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स अब मुझे बताओ कि इसमें से ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये ये देखो ये हमारा ये हमारा देसी जुगाड़ है कि जितना ये होता है उसका डबल ये होता है तो ये डबल ये इसकी हाइट सर तीन है तो ये डेढ़ होगा ऐसे कहना चाह रहे हो तो एक्स इक्वल टू वन पॉइंट फाइव क्योंकि इसका इस अच्छा वन वो थिंग वन वो थिंग आपको ये किसने कहा कि ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट है भाई मैं तो कह रहा हूँ लेटेस्ट रेक्टम ये है

है ना तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है ठीक है इसके बिना ये लॉजिक ना लगाओ ना तो क्वेश्चन तुम सॉल्व ही नहीं कर सकते है ना ठीक है कभी भी आपको कोई भी गिवन हो ना कि इट करोगे थ्रू दिस पॉइंट इट पास थ्रू हंड्रेड परसेंट उसमें कॉन्सेप्ट लगना है कि उसको इस इक्वेशन में डालो ठीक है पासिंग थ्रू का मतलब ये होता है सो so, अगेन इसको इस बात को फिर से लिखेंगे हम लेट से कि इसको इक्वेशन नंबर वन मार्क करके छोड़ दिया हमने है ना इसमें ए की वैल्यू अपने को चाहिए अगेन अगेन If the parabola if the parabola passes through again if parabola passes through a 2 comma three then it must satisfy the equation it must satisfy the equation of parabola equation of parabola. पैराबोला पासिस थ्रू ना कैसे लिके लिखेंगे हम यहां पे इफ द पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला है ना क्योंकि की बात कर पैराबोला की बात नहीं कर रहे इफ द पॉइंट ए इफ द पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला लाइज ऑन द पैराबोला पे पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ठीक है फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ सो पुटिंग टेंग एक्स कोमा वाई इक्वल टू क्या है कोऑर्डिनेट्स टू कोमा थ्री इन इक्वेशन वन इक्वेशन वन बना के छोड़ के आ गए थे ना बोलो equation 1 कहां पे छोड़ के आए थे हम वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एक बार फिर से लिख देता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स तो वाई की वैल्यू थ्री है तो थ्री का So like स्क्वायर इक्वल okay? अगर वो थ्री बाय टू आ जाता तो फिर ये हो जाता है जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है ना वो पॉइंट का एंड पॉइंट है ये बात और प्रूव हो जाती है उससे लेकिन नहीं आया ना वो थ्री बाय टू ठीक है सो नाउ पुटिंग ओके okay देन तो ए की वैल्यू वो तो पूरा डिलीट हो गया सॉरी फॉर दैट पावर कट की वजह से तो उसे क्या क्या कंटिन्यू करते हैं ए इक्वल टू नाइन बाई एट तक हम सॉल्व करके आए थे वाई इस इक्वल टू फोर एक्स में पुटअप करके वी गेट ए इक्वल टू नाइन बाई एट सो अगेन पुटिंग सो अगेन पुटिंग एक्वल टू नाइन बाई एट ए इक्वल टू नाइन बाई एट इन इक्वेशन वन to get the required equation of the parabola, we get, we get. So what we will get, equation was y square equal to four ax. उसमें एक ही जगह nine by eight into x. इसको cancel out karenge. तो y square equal to nine by two x. इस format में भी छोड़ सकते हैं. नहीं तो फिर two को इधर ले आएं. तो two y square equal to nine x. Is the equation of the रिक्वायर्ड पैराबोला इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन अगेन सेम कैटेगरी का है वर्टेक्स वही गिवन है जो किसी काम का है नहीं पासिंग थ्रू पॉइंट जैसे उसमें दे रखा था वो भी अगेन एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस का ही मतलब फर्स्ट पार्टन का ही पॉइंट है दोनों में फर्स्ट पार्टन का ही पॉइंट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस या अलोंग एक्स अलॉन्ग वाई एक्सिस एक ही बात है लैंग्वेज चेंजे बस इसमें कंफ्यूज मत हो जाना सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस का मतलब भी वही है

तोड़े ठीक है तो नथिंग मोर इन दिस क्वेश्चन सेम सेम टू पहले जैसा है तो मैं शॉर्ट में कर रहा हूं uh, किए ठीक है, है तो सबसे पहले तो देखो अगर अलोंग हमारा आपकी बार वाई एक्सेस है तो पहली चीज जो हमारे माइंड में आएगी वो ये आएगी कि दो तरह के पैराबोला कौन से हो जाएंगे वाई एक्सेस के अलोंग एक्सेस के सिमेट्रिक कौन से हो जाएंगे uh, या तो अपवर्ड फेसिंग क्योंकि ये भी एक्सेस वाई एक्सेस वाई एक्सेस होता है और या फिर

एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव तो यानी कि अब इसमें से अगेन ये फाइव कॉमा टू जो है वो इस पर लाइक कर रहा है हम इस इक्वेशन में तो वहां से आपको फोकल लेंथ ए आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू फाइव तो फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी टू फोर ए इंटू वाई की वैल्यू

25 2y इस फॉर्मेट में भी छोड़ सकते हैं अदरवाइज 2 को उधर ले जाएं तो 2x2 25y उस फॉर्मेट में भी लेके जाके छोड़ सकते हैं दोनों में से जो भी आंसर हो ठीक है तो इसके स्टेप्स आर क्वेश्चन नंबर 11 से कॉपी कर तो दैट्स इट ये हमारा पैराबोला है यहां पे सबसे द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर या